everyone, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to color my hair. Basically I'm going to highlight my hair and it's been a long time, like after bahut mahino baad main apna hair color karne wali hu. And I'm going to do the same hair color jo maine February mein kiya tha. And jin logon ne mera Bhutan ka vlog dekha hai, they really liked it and they few of them asked me ki maine kahan se highlight kiya hai. Even Instagram mein DM bhi kiya tha, maine kahan se kiya tha wo highlight or which saloon and what procedure. So let me tell you guys, whenever aap log mujhe hair color karte hue dekhoge aur mera hair color change dekhoge, so remember wo main apne ghar pe kar rahi hu aur na ki kisi saloon mein kar rahi hu. बिकॉज सैलून का एक ड्रॉबैक है, दे डोंट गिव अ प्रोफेशनल फिनिश, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कि आप जब सैलून में जाके अपना हेयर हाईलाइट करते हो या फिर हेयर कलर करते हो, तो उन लोग जो ब्लीच यूज करते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है दैट आफ्टर फर्स्ट टू एप्लीकेशन, लाइक आप पहली बार अप्लाई करते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर आप सेकेंड टाइम जाते हो, सेकेंड टाइम आप जाके वही सेम प्रोसीजर करवाते हो, तो बाय द मीन टाइम क्या होता है ना, आपका जो हेयर है It will damage like anything. And ये मैं बता रही हूँ आप सबको मेरी personal experience के through. Plus ये काफी inexpensive है. It just cost 160 rupees. What else you want? आप घर पे करोगे, it saves you a hell lot of money. क्योंकि आप saloon में जाके करते हो, like आप streaks highlight करोगे, एक दो तीन चार, तो per streaks they charge. They may charge 500, they may charge even 1000. So it's pretty much expensive. अगर आप सैलून से करवाते हो, तो अगर आप घर से करना चाहते हो, I really suggest and recommend you. क्योंकि this is not the first time I am going to use it. ये मैं almost third time use कर रही हूँ. So I know all the procedure and everything. So in today's video, I'm going to color my hair using this one. And also going to show you मैं कैसे क्या apply करती हूँ और कितना घंटा रखती हूँ. All tips and tricks मैं इस video में share करने वाली हूँ. So before starting the video, I would like to say you guys that please take a moment and subscribe to my channel. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, and be a part of my YouTube family. So now, without further ado, let's get started. This is how the packaging looks like. काफ़ी प्यारा सा packaging है, simple है yet sorted है. जो shade है वो है vibrant red और मुझे ये kit इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे walnut oil है and argan oil है, साथ ही में they provide conditioner. यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि किस बेस कलर में कैसा कलर आएगा, लाइक नेचुरल ब्राउन और नेचुरल ब्लैक. ना अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे अच्छा लगता है कॉशंस एंड वार्निंग उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स उन लोगों ने मेंशन किया है एंड पैच टेस्ट कैसे करना है वो भी उन लोगों ने मेंशन किया है. इसके बाद उन लोगों ने यूजफुल टिप्स भी मेंशन कर दिया है. सो इट्स अ वेरी सॉर्टेड पैकेज विच आई एब्सोल्युटली लव. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो मैं बता दूँ, यहाँ पर उन लोग स्टेप वन, एक दो पैकेट आता है स्टेप वन में. सो स्टेप वन में मिक्स ब्लॉन्डर और डेवलपर दिया हुआ है, सो यू हैव टू मिक्स दैट. इसके साथ वो लोग एक स्पूली टाइप का भी देते हैं जिसके साथ आप बहुत ईजिली मिक्स कर सकते हो. स्टेप टू में भी दो पैकेट्स आता है, एक है कलरेंट क्रीम और दूसरा है डेवलपर अगेन, सो यू हैव टू मिक्स दिस टू. साथ ही में वो एक रैंडम ब्रश देते हैं, प्रोवाइड करते हैं दो. इसका क्वालिटी कुछ खास नहीं है बट हाँ, काम चलाने के लिए इट्स परफेक्ट. ऑलराइट, इसके बाद वो लोग दो कंडीशनर का पैकेट प्रोवाइड करते हैं. द कंडीशनर, इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यू कैन ट्रस्ट मी. और साथ में वो लोग ग्लव्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको सेपरेटली ग्लव्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू परचेज एनी सॉर्ट ऑफ सेपरेट ग्लव्स. एंड दिस इज़ द स्पूली जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, मैंने पहले मेंशन किया है. एंड दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में लिखा हुआ है. सो यू नो व्हाट गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ बिट स्केयर्ड क्योंकि इस टाइम मैं स्ट्रिंग्स नहीं करने वाली हूँ. ये जो आप देख रहे हो ना, ये हाईलाइटेड जो हेयर है, ये ऑलरेडी वो फेब्रुअरी में जो की थी वही वाला इफेक्ट रह गया है. सो दिस टाइम मैं वैसा स्ट्रिंग्स नहीं करने वाली हूँ. इंस्टेड of doing that, what I'm going to do, like this is my hair and मैं अपना ये lower portion को color करने वाली हूँ.
मेरे पास एक ही पैकेट है, आई डोंट नो इज इट सफिशियंट और नॉट, बट लेट्स गिव इट अ शॉट एंड आई एम अ बिट स्केप्टिकल कि पता नहीं यार मेरी माँ कैसे रिएक्ट करने वाली है. आई एम वरीड अबाउट हर एंड ऑल्सो अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू लुक लाइक पूरा ये पोर्शन रेड करने के बाद. सो यस, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहला स्टेप ये है दैट मुझे ब्लॉन्डर पाउडर सैचे और डेवलपर वन सैचे एक बॉल में मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पूली. तो मुझे जो स्पूली उन लोगों ने प्रोवाइड किया है इस पैकेट में, उसी की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ. नाउ मेक श्योर कि आफ्टर मिक्सिंग इट आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स में अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा आप टाइम एग्जिट मत कीजिएगा. इंस्ट्रक्शन में भी यही लिखा हुआ है. साथ ही में एलुमिनियम जो फॉयल है आप यूज़ करने वाले हो उसको पहले से ही कट करके अलग सेपरेटली रख लीजिएगा. डोंट थिंक कि आप ब्लीच मिक्स करोगे उसके बाद आप एलुमिनियम फॉयल को काट के प्रिपेयर करोगे. डोंट डू दिस. ऑल राइट, सो एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे हेयर को सेपरेट सेक्शन में क्लिप अप कर रही हूँ और उसके बाद जो हेयर स्ट्रेंथ को मुझे हाईलाइट करना है, ब्लीच करना है, उसी हेयर को मैं ले रही हूँ एंड उसके बाद उसको एल्यूमिनियम फॉयल में अच्छी तरीके से कवर कर रही हूँ. नाउ एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करना ज़रूरी है. सबसे पहला रीज़न तो ये है बेसिक सा कि कोई मेस क्रिएट नहीं होगा और दूसरा रीज़न ये है कि कलर बहुत अच्छा है. On the lower portion. So I'm going to keep this for approx 1 hour क्योंकि मेरा hair जो नीचे का hair color है these are really black. So after 1 hour guys I'm going to show you कि इसका किस हद तक effect मुझे मिलता है और क्या color आता है. So stay tuned. After 1 hour, this is the result which I got. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रफ लग रहा है मेरा हेयर बिकॉज मैंने इसको 1 hour रखा है. अगर आप चाहो तो आप 30 मिनट्स तक रख सकते हो. Now moving to the second step. Second step में क्या करना है कि कलर इन सैचे और डेवलपर 2 सैचे को एक बाउल में एम्प्टी करना है और उसके बाद उसको मिक्स करना है. Now make sure guys, just like step 1, आपको इसको भी within 15 minutes अप्लाई करना है. Don't exceed that time frame. ठीक, मैं उसी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ. जिस हेयर सेक्शन में मैंने ब्लीच किया है उसी हेयर सेक्शन में मैं सेकेंड स्टेप का जो डेवलपर कलर है उसको अप्लाई कर रही हूँ. सो यस गाइस, मैंने अप्लाई कर दिया है अपने हेयर में एंड एल्यूमिनियम फॉइल से मैंने बहुत अच्छे से रैप कर दिया है. पर मैं एक बात बता दूं कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप 30 मिनट्स रखो, बट अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो आप उसको फॉर 10 मिनट्स मोर लाइक 40 मिनट्स रखो. तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के 1.5 hours रखने वाली हूँ. सो या लेट्स वेट एंड आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट. सो यस गाइज, आई एम फिल्मिंग द वीडियो आफ्टर 5 days. दुर्गा पूजा के वजह से मैं बिजी हो गई थी विद ऑल दी सेलिब्रेशन अनाउंटिंग्स. सो या फाइनली आई एम हेयर एंड मैंने इस बीच 2 बार शैम्पू किया है एंड आफ्टर 2 times यूजिंग शैम्पू दिस इज़ द कलर विच इज़ लेफ्ट. काफ़ी सोबर कलर है, काफ़ी डिसेंट है, बट द थिंग इज़ 1 packet इज़ नॉट सफिशियंट टू कवर योर एंटायर हेयर लाइक लोअर पोर्शन ऑफ योर हेयर. सो लेसन लर्न, तो मैंने और एक पैकेट परचेज किया है एंड आई एम गोइंग टू यूज दैट टुडे. प्लीज गाइस, अगर आपको ज्यादा इंटेंस हाईलाइट पसंद नहीं है देन 1 packet इज कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर यू ऑल. नाउ मूविंग टू द सेकंड सेगमेंट. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टेप 1 में जो जो करना होता है मैंने मिक्स कर लिया है दीज 2 packets एंड आई एम हेयर टेकिंग डिफरेंट लाइक 4 different सेक्शन ऑफ माई हेयर एंड उसको मुझे ब्लीच करना है. ब्लीच करने के बाद मैं एल्यूमिनियम फॉयल में एज यूजुअल कवर अप करने वाली हूँ, जस्ट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, सिंपल सेम प्रोसीजर. सीरियस गाइस, फर्स्ट स्टेप मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने दिखाया था कि मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा रफ हो गया था आफ्टर कीपिंग इट फॉर 1 hour, बट या स्टेप 2 के बाद मैंने जब कंडीशनर अप्लाई किया था मेरा हेयर कम्प्लीटली स्मूथ हो गया. इवन यू कैन सी इट ऑल बाय योरसेल्फ कि जो हेयर सेक्शन रफ लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है. सो यस, यहाँ पे भी इस साइड में भी मैंने डिफरेंट 5 different सेक्शन लिया है एंड उसको एल्यूमिनियम फॉयल में कवर अप कर रही हूँ. सो यस गाइस, ठीक पहले की तरह ही स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉलो अप करने के बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी एंड द
this is the final result. Oh my gosh, I am really happy, guys. क्योंकि मुझे इसी तरीके से intense red highlight चाहिए था. And I really believe it does enhance my look. It's crazy, I know. बहुत लोगों को शायद इतना intense highlight पसंद नहीं है, but I personally love it. Just simply love it. It's very nice. It's very fun. See you guys, this is the result which I came across. I really hope ki maine jo steps dikhaya hai, it will be helpful for you. And once in a while, if you want to try this type of crazy hair colors, then please go for it. It's safe and it's amazing. ऑल राइट गाइस, सो मैंने थोड़ा सा क्लोजअप लुक लिया है. यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो मैंने सेकेंड टाइम ट्राई किया है, सो लेट मी शो यू. या सो दिस इज द कलर विच आई केम अक्रॉस जो मैंने सेकेंड टाइम किया है. एंड दिस इज यू कैन सी फोकस फोकस या सो दिस इज यू कैन सी कि आफ्टर थ्री वॉश ये हुआ है. This is the result. All right. So yeah, that's it. So yes, guys, I am back. I really hope जो step by step मैंने process आप सबको दिखाया है, it is really going to help you all. So follow the steps. अगर आपको intense highlighted hair पसंद है, अगर नहीं है तो वही आप same step follow कीजिएगा to highlight your सिंपल. मुझे नहीं पता दूसरा इसके बाद जो मैं पॉइंट बोलने वाली हूँ ये आपके लिए प्रो होगा या कौन होगा. मेरे लिए इट्स अ प्रो, यू नो व्हाई, बिकॉज अगर आपने यू नो कोई भी इनका जो वाइब्रेंट हाइलाइटर किट है अगर आपने ट्राई किया घर पे, और by anyhow, by mistake, if you feels like you know this color is really not suiting you, it's really not enhancing your face, your look, then you are safe. You know why? क्योंकि ये color ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है. It will hardly stay for 14 days. अगर आप मेरे तरह you know daily hair wash करते हो and every 2 to 3 days आप अगर shampoo करते हो, because I just can't keep my hair unwashed. For you know, I know बहुत लोग 4 दिन 5 दिन बाद अपना hair wash करते हैं, but I just can't do it. So yeah, अगर आप daily वो hair wash करते हो, then it is going to stay for 14 days. And if you don't wash your hair daily, like 2 days or 3 days a week, then I believe it will stay more than that. That's pretty much it about today's video. I really hope it will be helpful for you all, guys. See you soon in my next video. You know I love you all. Bye.